Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. A very good evening to all of you. I hope you can all hear and see me. Thank you for being here, and I'm here for you. This is the last day before your prelims. I know sabko anxiety hai, sabko tension hai, sabko dar lag raha hai, right? And that is normal. It's not समथिंग जो मुझे नहीं फील हुआ आज तक. जिस सिचुएशन में आप हो, आई हैव बिन इन दिस सिचुएशन 5 times बिफोर प्रिलिम्स 2021, बिफोर मेंस 2021, बिफोर प्रिलिम्स 2022, मेंस 2022, एंड द वर्स्ट मे बी वॉज आउट सिटिंग आउटसाइड द इंटरव्यू रूम. ठीक है, सबके साथ होता है. इट्स okay, happens to everyone. If it is, you know, if it is tense for you, if you are scared, you know, I understand, it's normal. Let's talk about everything that's going to happen from this moment till tomorrow. Okay, jo bhi hona hai sari baat kal tak ho jayegi, and matlab let's talk about everything, but aapke sare jo questions आप यहाँ पे लिख रहे हैं, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम, बट कुछ चीज़ें मुझे आपको कहनी है. सो फर्स्ट हेयर फ्रॉम मी एंड देन आई प्रॉमिस दैट आई विल हेयर फ्रॉम यू. ओके, एक काम करो, चैट करना बंद कर दो एक सेकेंड. ठीक है, सब छोड़ दो एंड जस्ट क्लोज योर आइज. ओके, स्टॉप द चैट, एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं एंड जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ मिनट. If you've closed your eyes, let me tell you something. Think about what you were 1 year before today. आज से एक साल पहले आप क्या थे वो सोचो. आप just imagine yourself in the past 1 year. The amount of effort you have made, the amount of days you have said के यार चलो कोई बात नहीं पढ़ लेते हैं, the amount of time you have said that कोई बात नहीं यार, इट्स यू नो इट वॉज टफ बट आई एम गोइंग टू डू इट, मैं मेहनत करता रहूंगा या करती रहूंगी, राइट. थिंक अबाउट द टाइम्स यू सैक्रिफाइस्ड, थिंक अबाउट द टाइम दैट यू हैड टू पुट इन एफर्ट इवन वेन यू न्यू के यार अब हिम्मत नहीं बची है, इवन वेन यू थॉट के यार अब हिम्मत नहीं है, यू सेड आई विल कीप गोइंग, राइट. गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फैमिली, कितने लोग बीच में आए हु डाउटेड यू, हु सेड कि नहीं यार नहीं होगा, बट यू टोल्ड योर सेल्फ कि हाँ होगा, यू टोल्ड योर सेल्फ कि मैं कर लूंगा. यू डेड टू ड्रीम एंड टुमारो योर ड्रीम विल कम ट्रू. नाउ ओपन योर आइज. आपने बहुत 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 मेहनत की है एंड रिगार्डलेस ऑफ वॉट हैपन्स टुमारो, आई एम सुपर प्राउड ऑफ योर एफर्ट. The effort that you have put in, it's been such a humbling experience in these past 2-3 days after my result. Itne logon se baat hui, zyada baat maine un logon se kari hai jinka nahi hua, but aapko pata hai unme se kisi ko bhi dukh nahi hai. Dukh hota hai, you know, dukh hota hai nahi hone pe, but dukh tab hota hai jab mehnat nahi kari hoti. Mere jitne friends the sabne mehnat kari thi, bahut mehnat kari thi, and unhe koi dukh nahi hai. The anxiety you are feeling is only because you think that your effort will not be rewarded. If you are tearful at this moment, if you are anxious at this moment, if you are unable to sleep, if you feel ki mujhse nahi ho raha hai, it is only because you have worked supremely hard. Last year isi din pe jab main apna first attempt de raha tha, it was October 9th, 10th October ko prelims tha, I went to my father and I asked कि मैं स्किप कर देता हूँ अटेम्प्ट, मेरे से नहीं होगा इस बार, सेकंड नेक्स्ट ईयर मैं देख लूंगा. एंड आई स्कोर्ड 115 इन द प्रीलिम्स. आई वाज श्योर कि मेरा नहीं हो रहा है, बट हुआ. उसके बाद भी हुआ, मेंस फेल करने के बाद भी हुआ. डर लगा, लगा कि मैं फेलियर हूँ, लगा मुझसे नहीं होगा, बट स्टिल आई मेड इट. आई एम नॉट स्पेशल, नोबडी हु मेक्स इट इन दिस एग्जाम इज स्पेशल, इट इज जस्ट एफर्ट. एंड अगर आपने एफर्ट किया है तो वन वे और अनदर योर एफर्ट विल बी रिवॉर्डेड. कोई अलग एग्जाम नहीं है, सब वही चीजें पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इस एग्जाम में,
कोई भी नहीं, नॉट इवन यू योर सेल्फ कैन स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम मेकिंग इट इफ यू हैव मेड एन एफर्ट. सेकेंड रिक्वेस्ट टू यू, नाउ स्माइल, जस्ट स्माइल लाइक आई एम स्माइलिंग. स्माइल फॉर द एफर्ट यू हैव मेड, स्माइल फॉर द आवर्स यू हैव पुट इन, स्माइल दैट टुमारो इज सच अ बिग डे इन योर लाइफ बट यू आर हियर. कुछ हुआ नहीं है, यू आर स्टिल हियर, राइट? कुछ नहीं होगा, कल भी इसी टाइम पे आप यहीं होंगे. एवरीथिंग विल बी ओके, राइट? इट्स फाइन, स्माइल, रिलैक्स, जस्ट बी हैप्पी, राइट? जस्ट बी हैप्पी, इट्स गोइंग टू बी ओके. एंड इवन इफ यू डोंट मेक इट, आप कल यहीं पे होंगे, दुनिया खत्म नहीं होगी. एंग्जाइटी से दुनिया खत्म होती है. एफर्ट किया है, हार्डवर्क किया है तो दुनिया खत्म नहीं होगी, आप कल यही होगे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस. अब कुछ चीजें जो आपको कल लेके जानी है, आई नो यू नो दिस बट स्टिल आई एम जस्ट यू नो टेलिंग यू. यू टेक टू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स, योर एडमिट कार्ड, टेक एटलीस्ट टू कॉपीज. वैसे एक ही चाहिए होता है बट मान लो अगर कोई फट गया, गुम हो गया, ये सब होता है वहां पे. आईडी प्रूफ, ये मैं आपको बताता हूँ, जब आप जीएस का पेपर दे के निकलोगे आप हो सकता है ये अंदर भूल जाओ, ये दोबारा चाहिए होगा सी सेट में एंट्री करने के लिए. तो इन चीज़ों को ध्यान से संभाल के रखना. यू कैन कैरी देम इन अ क्लियर फोल्डर. मैं ले जाता था तो फोल्डर में वो बची रहती हैं. फोल्डर अगर क्लियर है, फोल्डर पे कुछ नहीं लिखा, तो ले जाने देंगे आपको. देन पासपोर्ट फोटो ले जाना, अगर एडमिट कार्ड पे फोटो ब्लरी है तो. अगर एडमिट कार्ड पे फोटो ठीक है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है. वाटर बॉटल डेफिनेटली क्लियर लेके जाना, लेकिन क्लियर मतलब जिसमें दिख रहा हो कि अंदर पानी ही है. ऑफ कोर्स यू विल नॉट कैरी विस्की द यूपीएससी फिल्म्स. चॉकलेट इफ योर सेंटर अलाउज यू, पेपर के बीच में खा सकते हो. एक घंटा हुआ, लो लग रहा है, यू नीड दैट एनर्जी बर्स्ट, ईट अ चॉकलेट, बट नॉट एवरी सेंटर विल अलाउ दिस. एनालॉग वॉच एवरी सेंटर हैज टू अलाउ. अगर आपको वो मना करें तो आपके एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस पेज में ये चीज लिखी है कि आपको एनालॉग वॉच अलाउड है, उनको ये दिखा देना, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है. नाउ पेपर में क्या करना है, पहले तो अपने सेंटर पे 8:30 तक पहुंच जाना. 8:30 इज बेस्ट, ठीक है. 9 वुड बी ओके, 9 से लेट मत करना, 9:00 तक प्लीज पहुंच जाना, प्लीज, ठीक है. ओके, नाउ पेपर देखते ही सबसे पहले स्माइल नहीं करना है, सबसे पहले भरनी है ओएमआर शीट में रोल नंबर, ठीक है. ये जो रोल नंबर है ये ठीक भर देना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? स्माइल करोगे पेपर देखने के बाद, आपने रोल नंबर भर दिया, पेपर मिलेगा. ओएमआर भरने का अलग से टाइम मिलता है, यू विल गेट टाइम टू फिल द ओएमआर, ठीक है. यू विल गेट टाइम, टेंशन मत लो. उसके बाद पेपर मिलेगा, खोलने को बोलेंगे आपको, एक बेल बजेगी, यू विल बी आस्क्ड टू ओपन द सील एंड द पेपर विल ओपन. पेपर देखते ही स्माइल करना है, ये प्रॉमिस करो मुझे कि पेपर देखते ही यू विल स्माइल. सेकंड, फ्लिप द पेपर. जिसको इस बारे में नहीं पता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ. फ्लिपिंग मीन्स कि एक बार पूरा पेपर आगे पीछे करके देख लेना इन 2 or 3 minutes. एक चीज डिफिकल्ट होगी, कुछ शॉक कल होने वाला है. कल हो सकता है पहला क्वेश्चन हो कि शाहरुख खान ने अपनी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में कौन से कलर की शर्ट डाली थी, ठीक है. दिस कुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन. आई डोंट इवन नो कि DDLG में शाहरुख खान है या नहीं, बट अगर है तो ये क्वेश्चन हो सकता है कल पहला. बट अगर ये क्वेश्चन पहला हुआ ना तो दिस विल नॉट डिसाइड द कट ऑफ, ठीक है. ये क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है. जस्ट रिलैक्स, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू बी ओके, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, छोड़ दो इनको, सबको पता होगा, मुझे नहीं पता है ये, छोड़ दो इस क्वेश्चन को. देन फ्लिप द पेपर. जो शॉक है पेपर में, ऑस्कर से क्वेश्चन आ गया, 1 pair 2 pair only, स्पोर्ट्स है ना, हटा दो. देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग. वेयर विल यू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम? योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मोस्ट लाइकली पॉलिटी होगा, यू विल स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम पॉलिटी. नेक्स्ट, मार्क ऑन द पेपर. कैन आई मार्क द पेपर? यस. मैंने, यस मैं डेफिनेटिवली नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए यस कह रहा हूँ, मैंने दोनों प्रीलिम्स में अपना पेपर मार्क किया है अच्छे से,
भर भर के रंग के आया था मैं पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. इफ योर एग्जाम सेंटर टेल्स यू समथिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट तो अलग बात है, बट यस यू कैन मार्क ऑन योर पेपर. ओके, जो क्लिप बोर्ड होता है, यू नो क्लिप बोर्ड, वो आप ले जा सकते हो पेपर में, इफ इट इज क्लियर. उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, बट जरूरत नहीं पड़ती, मैं नहीं लेके जाता था. पेपर सॉल्व करते वक्त फ्लिप कर लिया, मार्क कर सकते हैं. स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पॉलिटी मोस्ट लाइकली. ईगो पे नहीं लेना कोई क्वेश्चन. पॉलिटी में भी, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट में भी, हो सकता है कल वहां पे आर्टिकल 21 पूछा हो पहले क्वेश्चन में और आपको याद ना है. आपने पढ़ा हुआ है, आपको फिर भी याद ना है, कोई बात नहीं. एक ही तो क्वेश्चन है ना. ईगो पे नहीं लेना, आगे बढ़ते जाना है. नहीं याद आ रहा, आ जाएगा याद, रिलैक्स. डिफिकल्ट होगा. 88 कट ऑफ थी लास्ट ईयर, इससे पहले 87 थी, मतलब पेपर तो टफ ही आएगा कल भी. मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि पेपर विल बी टफ, इट विल बी टफ, इट इज ओके. बुरा लगेगा पेपर देख के एकदम से कि अरे ये क्या है, इट्स फाइन. सबके लिए टफ है, आपको सिर्फ ईजी चीजें करनी है, ओनली ईजी थिंग्स यू हैव टू डू. ऑलराइट, अब मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा, यही है ना फीलिंग, बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है. अगर अभी लग रहा है ना कि कुछ भी याद नहीं आ रहा, इट्स ओके, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल नॉर्मल है. कोई सब्जेक्ट से आपको डर लग रहा है, किसी को, एक मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं हिस्ट्री से डर लग रहा है सर, ज्योग्राफी से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, इट इज ऑल ओके. ठीक है, उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट. हो सकता है कि एक दो आपको उतने अच्छे से ना आते हो. कट ऑफ 88 है यार, 44 क्वेश्चन ठीक करने हैं हमें, बस हो जाएगा. अगर पढ़ाई करी है तो 44 तो आराम से ठीक होंगे. अब ब्रेक में, पहले तो फिर से आई थिंक फॉर द 10th टाइम मैं हाथ जोड़ रहा हूं, भाई प्लीज आंसर की मत चेक करना ब्रेक में. मैं कल यहां लाइव आऊंगा 12 बजे, ठीक है. उसका थंबनेल होगा मोस्ट एक्यूरेट आंसर की प्रिडिक्शन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023, और उसमें एक ही बात बोलूंगा कि भाई फोकस ऑन सीसैट, डू नॉट चेक द आंसर की इन द ब्रेक. ब्रेक में प्लीज डू नॉट चेक द आंसर की, नो डिस्कशन ऑफ द आंसर्स, डू नॉट चेक द आंसर्स, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. ओके, देन ईट लाइट ब्रेक में, ईट लाइट. What I used to eat was tomato and cucumber sandwich. Bilkul light and a cold coffee. That's all I have. Eat light. Agar possible ho to thoda sa sleep kar lena. Find some, thodi si neend le lena. Neend leke kya hota hai ki your brain will get refreshed. Break mein agar aapko CSAT ke kuch formulae aapne likh rakhe hain, to aap dekh sakte hain. Main to nahi dekhta tha. But in case you want, wo kar sakte hain. All right. CSAT ka paper aayega. अगेन ईगो पे मत लेना प्लीज, ठीक है, ईगो पे मत लेना. टारगेट द इजी स्टफ, इसको भी फ्लिप कर लेना, टारगेट द इजी स्टफ. ओके, ऑलराइट, नाउ यू हैव गॉट दिस. हो जाएगा यार, हो जाएगा. आपने बहुत एफर्ट किया है, योर एफर्ट विल बी रिवॉर्डेड. आपका नहीं तो किसका, आपने पूरा साल लगाया है, ठीक है, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा. एंड इन केस यू डोंट मेक इट, यू विल बी फाइन. नहीं भी होगा ना तो कुछ नहीं बदलेगा यार, जिंदगी चलती रहती है, राइट. और मैं यही हूं, आई एम हियर राइट विद यू. जब रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन भी रिजल्ट आएगा आपको उसी दिन पता चलेगा. आई विल बी हियर विद यू. आपकी बात चाहे कोई भी नहीं समझे ना, मैं समझूंगा. आई विल बी हियर. 10 घंटे लाइव बैठना पड़ेगा, 10 घंटे लाइव बैठूंगा रिजल्ट वाले दिन, बट चिल, इट विल बी ओके. आई एम हियर फॉर यू. इफ नॉट यू, समबडी विल बी देयर हु विल नॉट मेक इट, आई विल बी देयर फॉर देम. टेंशन मत लो, जो आपकी ना होने की एंग्जाइटी है वो आप मुझे ट्रांसफर कर दो. आई एम हियर फॉर यू, आई विल बी हियर फॉर यू, राइट. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. लोगों का डाउट था कि सिलेक्ट होके क्या करेगा, हो गया हूँ सिलेक्ट, रैंक आ गई है, कहीं नहीं जा रहा. आई एम डूइंग अ कोर्स ऑल्सो, आई विल बी ऑन यूट्यूब ऑल्सो, आई विल बी ऑन यूट्यूब लाइव ऑल्सो. मुझे मजा आता है इसमें. ऑनेस्टली मैं चाहता था कि मुझे कोई ऐसा बड़ा भाई मिले,
I am your big brother or small brother or friend or whatever you want, but I will be here for you. कुछ भी हो जाए, I am not leaving your side. ठीक है, टेंशन मत लो. Lastly, I am super, 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 super proud of you. Not because of your result. मुझे टेलीग्राम पे किसी ने बहुत बार बोला कि I will make you proud. ऐसे मैसेजेस आए कुछ स्टूडेंट्स के कि सर आई विल मेक यू प्राउड. किसी ने मेल किया आई विल मेक यू प्राउड. नो, यू विल नॉट मेक मी प्राउड टुमारो. यू विल नॉट मेक योर सेल्फ प्राउड टुमारो. इफ यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ टूडे. कल तो एक एक्सटर्नल चीज है, कल तो यूपीएससी देखेगा, बट आप अपने बारे में क्या सोचते हो इसमें यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई लेना देना है. आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर योर एफर्ट. द फैक्ट दैट यू आर हियर, द फैक्ट that you are willing to do it. I am here for you. I am proud of you for what you have done. जो आपने effort मारा है ना, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. And जो आपने effort मारा है, उसका आपको reward मिलेगा. UPSC में नहीं, तो कहीं और. And for that effort, I am proud of you. And you should be proud of you for everything that you have done. Thank you for joining in. A very, very best of luck to all of you. ठीक है? देखो, मैं आपको एक बात रेकमेंड करूंगा अभी. इट्स ऑलरेडी 6 PM, इट्स मोर देन 6 PM, आई थिंक इट्स 6:15 नाउ. प्लीज स्टॉप स्टडिंग इफ पॉसिबल. अगर आपको बहुत एंग्जाइटी होती है खाली बैठ के, तो अलग बात है, बट स्टॉप स्टडिंग एट दिस मोमेंट. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, यू कैन स्टॉप स्टडिंग लेटर ऑल्सो. आप पढ़ सकते हो, आप इफ यू वॉन्ट यू कैन कीप रीडिंग. अगर आपको एक एक कुछ हाँ थोड़ा बहुत देखते रहो, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टॉप थिंकिंग अबाउट द एग्जाम. स्टॉप थिंकिंग अबाउट कल क्या होगा, भूल जाओ आप. नाउ कम टू दैट ट्रांस. एक एंग्जाइटी है ना कि नहीं होगा तो क्या होगा, वो मेरे पे ट्रांसफर कर दो. शिवन से पूछ लेंगे, शिवन बताएगा, शिवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर मेरा नहीं हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविन की है. एंड आई एम टेकिंग टेलिंग यू दिस दैट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू काम यू डाउन टू फाइंड एन ऑल्टरनेट फॉर यू. मैं कर दूंगा. ठीक है, हटा दो बाकी सब. स्टॉप थिंकिंग अबाउट द एग्जाम. एक और छोटी सी रिकमेंडेशन अगर आप कर सकते हो तो, 2022 का तो पेपर आपने देखा होगा ना, 2022 का पेपर कई बार आपने देखा होगा. सुबह उठ के 10 मिनट्स लगा के 2022 का पेपर देख लेना एक बार. जस्ट फ्लिप 4 or 5 क्वेश्चंस बिफोर गोइंग देयर. पता है क्यों कह रहा हूँ ये, बिकॉज आपका माइंड सेट एमसीक्यू वाला हो जाएगा. सुबह उठ के बस 10 क्वेश्चन देख लेना, एंड आपको आते होने चाहिए. मैं अभी कह रहा हूँ आपको आते होंगे 2022 के क्वेश्चंस, आंसर्स रट गए होंगे, राइट. 2022 में पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन देख लेना जो आपको आते हैं, उनको देख लेना जस्ट बिफोर एंटरिंग. इट विल बी ओके. आपका दिमाग वैसा होगा, you will be in the mindset and you'll do great. ठीक है, CSAT से डर लग रहा है ना, तो CSAT में एक ही चीज है, if you are afraid of CSAT, just target the easy stuff. ego पे मत लेना, घुमा लेना पेपर एक बार बस. CSAT में डर लग रहा है तो अभी आप CSAT की वीडियो देख सकते हो मेरी. but stop studying now. छोड़ दो, बहुत मेहनत करी है यार. किताब बंद करके खुश हो थोड़ा सा, अपनी मेहनत पे रिफ्लेक्ट करो. ठीक है, अपने पेरेंट्स से मिलो इफ पॉसिबल. मैं तो पंचायत देखता था प्रीलिम्स से पहले. पंचायत मैंने कई बार देखा है, उसका season 1 बहुत ही प्यारा शो है. ठीक है, पंचायत देखना, बहुत अच्छा लगेगा, राइट. इट विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा, राइट. अगर CSAT भी डर है, CSAT में मुश्किल हो रहा है, ईजी स्टफ टारगेट करना है. कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने, जस्ट ईजी स्टफ. देखते लग रहा है कि यू नो, देख के लग रहा है कि अरे यार पेपर इज टफ, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, फ्लिप इट, लीव इट. 27 ही करने हैं. ओके, इन द एंड दिस इज द लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू से टू यू. अगेन आई एम गोइंग टू से टू यू, देखो यार, रिजल्ट आप जितने लोग यहाँ पे हैं, है ना, आप में से कईयों का नहीं होगा, कईयों का होगा. हो सकता है कई लोग बाद में आके कहेंगे कि सर थैंक यू, आई मेड इट बिकॉज ऑफ यू. कई लोग आके कहेंगे सर क्या बात है, सर आपकी वजह से मेरा रह गया, यू नो यू डिडंट टीच वेल, आई डिड नॉट मेक इट बिकॉज ऑफ यू. ना मुझे पहली चीज़ पे खुशी होगी, ना मुझे दूसरी चीज़ पे दुख होगा,
बिकॉज आई विल ऑलवेज जज यू ओनली फॉर द पर्सन यू आर. लबासना में जब अंदर घुसते हैं तो लिखा होता है शीलम परम भूषणम, द ओनली ट्रू गुड इज वर्च्यू कैरेक्टर, दैट्स ऑल दैट काउंट्स. सो आई विल ऑलवेज जज यू फॉर द पर्सन यू आर, फॉर द कैरेक्टर दैट यू हैव, फॉर द ऑनेस्टी एम्पथी एंड इंटेग्रिटी दैट यू हैव, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स. आई एम हियर फॉर यू रिगार्डलेस ऑफ वॉट हैपन्स, गो आउट देयर टुमारो एंड डू योर बेस्ट. I am proud of your effort regardless of what happens tomorrow. I will be here either way. Thank you for joining in. Calm down, smile, you will do it. All the best for everyone who is here. Close YouTube, turn your phone off. You will make it. Thank you. Bye bye. See you tomorrow.